कर ले, हम आपके दुख में साहेब आ गई है, आपके संगे जो कुछ हुआ वो कल हम उनके संगे हुई है, हमें उसकी कोई चिंता नहीं, तुम आदमी है हमारे आदमी है, और इस धरती पे आला उदल की धरती है बुंदेलखंड, ताला सैयद मीरा सैयद रहते संगे, जब आला को बाप लड़ाई पे जान लगो तो उन अपनी लुगाई लड़का वालों को सौंप दो ताला सैयद को मुसलमान को, और कह लो कि उनकी बताई कह ले कि बाप मरो तो जब इनको गोदी दो तो तब बैठा है, तो ताला सैयद कहता है उदल की माँ से वाला की कि तुम बैठी रहियो घर में, उदल लिया है हम ब्याह, वो सात लड़के मरे थे, 1100 साल पुरानी घटना है, हम आपके कल साथ थे, आप हमारे साथ, ये आप ये लिख लो, ये वो धरती है जहाँ मस्तानी और बाजीराव की शादी है, आज कुछ हो रहा है ठीक है होने को, हमारे साथ भी हुआ, हम भी जेल रहे, पता इसकी तो फांसी की सजा होने वाली, ये भी हम उसी के लिए लड़ने वाले, हम आपके साथ, अन्याय के हम खिलाफ, आप करोगे हम आपके खिलाफ, ये करेगा इस खिलाफ, ये हमारे खिलाफ करेगा हम, ये हमारी बात है, तो ये जो हो रहा है गैर कानूनी, और न्यायालय ने तो फैसला दिया, ये तो कोई पता नहीं था कि बुलडोजर हम उन पे चढ़ जाते, आम के इन पे चढ़ जाते, हम पे चढ़ जाते, इन पे चढ़ जाते, दर्शन इन पे चढ़ जाते, कैसे ही बनाए थे, काम न्यायालय को करना चाहिए, पुलिस जो है कि पुलिस बल रहा है किसी को जो है सजा नहीं दे सकती, और अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर मकान जो बना हुआ था, हमने उनके परिजनों से मिला जो जानकारी ली, वो उनकी जमीन पर बना हुआ मकान था, मकान की अनुमति उनके पास थी, उसके बाद बिना कोई सूचना दिए मकान को तोड़ना, और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि अतिक्रमण में भी बना हुआ मकान है तो बारिश के दिनों में मकान को नहीं तोड़ा जा सकता, और अगर अतिक्रमण में बना हुआ मकान है, इतना कीमती मकान है, तो उसके बारे में तोड़ने की बजाय अगर वो सरकारी जमीन पे बना हुआ तो सरकार उसको राजसात भी कर सकती थी, तोड़ के जो है उसका नुकसान नहीं किया जा सकता, ये सारी चीज़ें जो प्रशासन ने की है वो सारी चीज़ें जो साबित करती है कि जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक अपराध के बाद ही आपको अतिक्रमण की चिंता क्यों होती है, और इसमें भी यही बात है, कलेक्टर के बंगले से 1 किलोमीटर दूर जो मकान बना हुआ है, 7 साल से जो मकान बन रहा था, और उसके बाद जो है कि जहाँ के अधिकारियों को तब इसकी चिंता नहीं हुई, अचानक आकर अगर जो कहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि एक द्वेष के साथ इस मकान को तोड़ा गया, और उससे भी बड़ी बात जो है कि हमने जिन परिजनों से बात की है उन्होंने बताया कि जहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी थे, जो जहाँ पर जो अमला आया हुआ था, वो जिस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों को दाढ़ियाँ पकड़कर खींच रहा था, उनकी टोपियाँ छीन रहा था, जिस तरीके से उनको अपमानित कर रहा था, ये प्रशासन का काम नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरीके का ये जो जुलूस निकाला गया, उसमें जो नारे लगाया गया कि पुलिस हमारी बाप है, संविधान कहता है कि पुलिस जनता की सेवा के लिए है, और जो जनता की सेवा के लिए है वो अगर अपने आप को बाप कहती है तो इसका जो है कि इस देश के अंदर जो है कि कानून का राज नहीं रहेगा, और कानून का अगर राज नहीं रहेगा तो इसका अर्थ ये है कि फिर आज इधर बुलडोजर चला है, कल उस पर बुलडोजर चलेगा, इसीलिए हम सब लोग चिंतित हैं और सब मिलके इस बात के लिए जहां पर आए हैं, यहाँ के लोगों ने भी इस बात, परिजनों ने भी ये बात कही है कि हमें कानून पर विश्वास है, लेकिन कानून पर विश्वास है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उससे हमें और ज्यादा आशा बंधी है, और इससे भी बात जो बड़ी बात है वो बात ये कि उस जुलूस के बाद जिस तरीके से पूरे मोहल्ले के अंदर आतंक छाया हुआ है, आज पूरे मोहल्ले के अंदर एक भी नागरिक, एक भी पुरुष इस मोहल्ले के अंदर नहीं है, और अज्ञात के नाम पर लूट मची हुई है, कभी किसको पकड़ लिया जाता है, कभी उससे रिश्वत ली जाती है, कभी उससे रिश्वत ली जाती है, और ये जो आतंक है इस आतंक के खिलाफ हम सब लोग एकजुट हुए हैं, और उसके खिलाफ जो है कि हम यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर आए, इसके बाद आने वाले दिनों में हम लोग जो है कि भोपाल भी आएंगे, राज्यपाल जी से भी मिलेंगे, हमारा साफ कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है आज प्रदेश में वो बहुत बड़ी गैर प्रजातांत्रिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है,
जिन लोगों के साथ जो किया गया है वो जानबूझ करके एक विशेष धर्म विशेष जाति के लोगों को दबाने और प्रताड़ित करने के उद्देश्य किया गया है, जो मेरा इसका पूरा निष्कर्ष है। बुलडोजर के मामले में बुलडोजर तो कल भी गैर कानूनी था, न्यायालय के आदेश के बाद न्यायालय को आदेश देना पड़ा, ये बहुत बड़ी घटना थी। क्या इसके पहले क्या कानून बुलडोजर चलाया जा सकता था? नहीं चलाया जा सकता था। और बुलडोजर आज भी चला दिया जाए तो कोई पक्का नहीं कल कंकर की लाश पर चल जाए, जिंदा अपन लाश पर चले, राजा पटेरे पर चल जाए, जसविंदर पर चल जाए, या किसी पे भी चलाया जा सकता। मेरा साफ कहना है, हाथ जोड़ के विनती है शासन से और प्रशासन से, ये बुंदेलखंड की धरती है जहां ताला सैयद मीरा सैयद वाला उदल के अंदर की जो प्रेम था 1000 साल पहले, ये वही धरती है जहां बाजीराव मस्तानी की शादी हुई और उस बाजीराव की जिसने अंग्रेजों को पनाह मंगा दी थी। इस धरती पर सामाजिक वैमनस्यता फैलाने में प्रशासन शासन जो कर रहा है उसका नैतिक दायित्व है कि राजनीतिक दल लोग उसका विरोध करें, परंतु प्रशासन जिस तरीके से शासन का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। आज हम लोगों के लाश बनाई जा सकती है परंतु विचार को लाश नहीं बनाया जा सकता। गांधी लोहिया और मार्क्स की औलाद है। शहजाद के परिजनों से बात की है, क्या निष्कर्ष निकला? शहजाद के परिजनों ने जिन शब्दों में अपना दुख व्यक्त किया है और जो हौसला दिखाया है वो लाखों में एक आधी आदमी का हौसला होता है। उसकी बच्ची ये कह रही है कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा था, अल्लाह मियां से प्रार्थना करती थी, दुआ करती थी, और वो अल्लाह मियां ने दुआ मेरी सुनी, ईश्वर ने मेरी दुआ सुनी। उसकी जवान से अचानक निकल रहा है कि अल्लाह ने सुनी, ईश्वर ने, और कोर्ट ने निर्णय दिया। मैं मांग करती हूं कि ऐसे हजारों हजार जिन लोगों के घरों को मिटाया गया है प्रशासन और शासन से मुआवजा दिलाने का भी न्यायालय करेगा, और हमारे जो वालिद लोग हैं उन्हें बाहर निकाल करके उनके दूध का दूध पानी का पानी जांच करा दे, और मेरे वालिद लोग यदि दोषी हैं तो उन्हें सजाए मौत दे दी जाए, अन्यथा मुक्त किया जाए। सर, क्या शहजाद के परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्डिंग जो गिरी है वो कह रहे हैं न्याय पे पूरा भरोसा है। अच्छा, बिचारी अबोध महिलाएं हैं, बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, टीनेजर बच्चियां हैं। मैं कह रहा हूं कि उनको न्यायालय पे पूरा भरोसा है, तो लाजमी उनके जो सलाहकार होंगे मैं उन्हें राय दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट तक जाओ। और मैं ये भी कहूंगा सुप्रीम कोर्ट से, आपके माध्यम से अपील करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वाविवेक से संज्ञान लेकर के इस प्रकार कार्रवाई करे। आज देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा जा रहा है। इस देश में मिली जुली संस्कृति का 1000 साल का इतिहास। अयोध्या का पंडित 1857 और बाबरी मस्जिद का मौलाना दोनों मिलकर के साथ लड़ाई लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, और फांसी के फंदे को उनने चूमा है, लोगों को मालूम नहीं है। और इस बुंदेलखंड की धरती में महाराज छत्रसाल का प्रणामी धर्म इसका प्रतीक है। शिवाजी का अंगरक्षक कौन था? मुसलमान। हाकिम सूर कौन था जो महाराणा तरफ से लड़ने जाता था? गुलाम घोष का कौन था जो रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से लड़ने जाता था? और लक्ष्मीबाई की लाश को जलवाने के लिए अली बहादुर, बाजीराव का और मस्तानी का लड़का, महोबा का नवाब, वो कौन था? मुसलमान। ये मुसलमान हिंदू यहाँ है ही नहीं, इंसान है यहाँ, ये बनाया जा रहा है। जिन पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है क्या उनके साथ भी सहानुभूति है आप लोगों की? जिन पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला हुआ है उसके लिए मैं मांग करता हूँ कि न्यायिक जांच गठित किया करे मध्य प्रदेश सरकार, और दूध का दूध पानी करे, और जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। परंतु मैं साथ ही साथ आपसे एक मांग और करता हूँ आपके माध्यम से, कि मांडी मोहन यादव जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, गैर संवैधानिक बातें ना करें, कि हिंदुस्तान में या देश में या भारत में जिसको रहना होगा जय राम हो जय कृष्ण कहना होगा। अरे रस खान कौन था? रहीम कौन था? चित्रकूट में आ बसे रहीम अनबद नरेश, जहां पे विपदा परत है आ भाई उस देश, रहीम ने लिखा, जायसी ने लिखा, रस खान ने लिखा। कितने लोग हैं जिन्होंने राम की भक्ति की और कृष्ण की भक्ति की जो मुसलमान थे? इसको बना के रखे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये देश ना हमारा है ना तुम्हारा, ये देश सभी जाति सभी धर्मावलंबियों का है और उनका बना रहेगा। आप कुछ भी करते रहो, ये 3 राज्यों का जो चुनाव होना है उसके लिए खेल हो रहा है, उसमें गरीब और निरीहों को मत। मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि आप इस आवाज को सही माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी,
50 future ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.